शेखपुरा ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के सदस्यों ने रविवार को मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकारों से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। यूनियन के वरिष्ठ लीडर शबीर अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान यूनियन के कई सदस्य मौजूद थे। यूनियन के मोहम्मद आफिर ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के साथ अन्याय कर रही है। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। तभी खोली जाए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रॉयल्टी तय करेगी, ट्रैक्टर वाले देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा। तो हम यही हमारी ट्रैक्टर जूनियर से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी तभी खोली जाए। ठीक है। जे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है और केंद्र के खिलाफ है। जहां केंद्र सरकार बोलती है कि आप लोगों को लोन देंगे और आप 5 लोगों को रोजगार देंगे, आज हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जो आपका ये 5 लोन देने का सिस्टम था, ये कहाँ पहुँचा? आज जो हमारा रोजगार था वो भी आप लोगों ने छीन लिया, हम कैसे लोगों को रोजगार दें? जो हमारे ट्रैक्टर चालक है जम्मू के अंदर, आज वो भुखमरी के कंगार पर है और हम गवर्नर साहब से मांग करते हैं कि हम जैसे इन्होंने अपना पैकेज दिया ट्रांसपोर्टरों को और हमें भी एक ट्रैक्टर वालों को पैकेज दिया जाए। इसी के साथ साथ हम जिस भी अफसर के पास जाते हैं वो यही बोलता है कि स्टे लगा है। जे स्टे किस आदमी ने लगाया है जे सब लोगों को पता है। आज हम बता देना चाहते हैं, हमने अपनी खोजबीन के तहत जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए कोर्ट से, जे स्टे लगाया है चंद्रमोहन शर्मा है, उसकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है। मेरे हिसाब से आज उसके जो बच्चों से आगे उनकी भी शादियां हो चुकी है, इतनी उसकी बुरी हालत है। इतनी उम्र में वो इतना गलत काम कर रहा है, जम्मू के युवाओं को गलत राह पर लेने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ हम मांग करते हैं कि जो पुलिस है वो भी हमारे साथ धक्का कर रही है। पुलिस बड़े बड़े डंपर वालों को चलवा रही है, उधर से बोलते हैं जे कि स्टे लगा हुआ है, अभी मेरे साथ आप जा सकते हो। स्टे कहाँ लगा हुआ है? ये गरीब लोगों के लिए लगा है, अमीर लोगों के लिए नहीं लगा। जिनके क्रशर हैं या अपने लुक प्लांट हैं उनका सारा सिस्टम चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो स्टे लगा हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं, जो मंत्री हैं फार्मर, ये या एडमिनिस्ट्रेशन के जो बैठे हुए हैं ऑफिसर, ये फीता कहाँ से काट रहे हैं? ये उद्घाटन कहाँ से कर रहे हैं? लुक कहाँ से आ रही है? लुक तो बजरी से रेत से बनती है। इसी के साथ साथ जो स्टे के दौरान तवी के अंदर रिंग रोड का पुल बना, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हम आने वाले दिनों में पंचायत लेवल पे सिस्टम पे प्रोटेस्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, जो पुल बना है ये कैसे बना। और हम अपने सोर्सेस से पता किया, बोल रहे हैं कि जो डंपर वाले हैं बोलते हैं हमने जी परमिशन ली है। भाई हम भी तो परमिशन मांग रहे हैं, हम भी अपने रोजगार के लिए परमिशन मांग रहे हैं। हमारा जो रोजगार था उसको छीना गया, इसलिए हम इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो परमिशन कौन दे रहा है। वो अगर परमिशन लीगल भी है तो वो क्या करते हैं, अपना उधर एक राउंड फेंकते हैं तो दूसरा राउंड पे बाकी वो सारा बाहर फेंकते हैं। ठीक है।